एमआईएम ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को गठबंधन की ऑफर दी है, तो क्या एमआईएम महाविकास अघाड़ी में आएगी? ऐसी चर्चा अब राजनीति के गलियारों में शुरू है। इस मामले पर विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस द्वारा कड़े शब्दों में टिप्पणी करते हुए कहा कि एमआईएम को उनके साथ जाना चाहिए क्योंकि वे अंत में एक ही है। काही हरकत नाही आहे, त्यांनी जरूर त्यांच्यासोबत जावं, कारण शेवटी ते सगळे एकच आहेत। फायनली भारतीय जनता पक्षाला हरवण्याकरता, पराजित करण्याकरता सगळे एकत्रित येण्याचा प्रयत्न करतायत, पण कोणी एकत्रित आलं तरीही भारतातली जनता, महाराष्ट्रातली जनता ही मोदीजींच्या मागे आहे आणि ती भारतीय जनता पक्षालाच निवडून देईल। फक्त आता या सगळ्या अलायन्समध्ये शिवसेना काय करणार याच्याकडे आमचं लक्ष असतं। हारले की त्यांना ई व्ही एम दिसतं, बी टीम दिसते, झेड टीम दिसते, सी टीम दिसते, तेव्हा हारल्यानंतर अशा अनेक गोष्टी ते बोलत असतात, त्याकडे फार लक्ष द्यायची गरज नव्हती। आणि म्हणूनच आम्ही पाहतो ना आता नेमकं सत्तेकरता ते काय करतात। तसंही त्यांनी शिवसेनेने आता हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंच्याऐवजी जनाब बाळासाहेब ठाकरे स्वीकारलेला आहे आणि अजानची स्पर्धा वगैरे चालली आहे, त्याचा परिणाम आहे का बघू। वैसे भी ये सारे लोग एक ही है और एमआयएम अगर इनके साथ जुड़ता है तो कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। इसका कारण लोगों का विश्वास मोदी जी पर है, लोग मोदी जी को देखकर हमको वोट करते हैं, हमारे काम को देखकर वोट करते हैं। ये सारे साथ में आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। इतना ही देखना है कि शिवसेना और एमआयएम किस प्रकार से साथ में आते हैं। मुझे लगता है वैसे भी शिवसेना ने अजान स्पर्धा शुरू कर दी है, जनाब बाळासाहेब ठाकरे कहना शुरू कर दिया है, तो शायद आ भी सकते हैं।